आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टार इकलौते दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इंग्लिश विषय का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपकी हॉर्नबिल के पोस्ट पोएट्री और आपकी सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है स्नैपशॉट, इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए। ओके, और साथ ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर भी बता दिया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 4 नंबर पक्का कर पाएंगे आप 11वीं के अंग्रेजी के पेपर में, क्योंकि क्या है एडवर्टाइजमेंट से आपको क्या है 4 नंबर का आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। ओके, तो मैं आपको टॉप 4 एडवर्टाइजमेंट बताने वाला हूँ, और ओके जो 4 तो आपका एडवर्टाइजमेंट आपको इस वीडियो में बताना सिखाऊंगा। ओके, और 4 से दोस्तों आप क्या है 6-7, और जिस प्रकार से आप अपने आप से बनाना चाहें, कोई भी अगर आपसे बनाने कहा तो आप बना लेंगे। ओके, क्योंकि मैं आपको पूरा तरीका और ट्रिक के साथ आपको समझा दूंगा। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट और किस फॉर्मेट से बनाना है जिससे आप क्या है 4 में 4 नंबर आपके पक्का कर सकोगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है योर फादर हैज बीन, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से मैंने आपको दिया हुआ है आंसर। ओके, एक क्वेश्चन आपका। ओके, तो योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल आपका हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ओके, आपके पिताजी का क्या है ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, तो आपको क्या बेचना है, आपको सेल करना है, क्या करना है हाउस होल्ड गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान। ओके, तो आपको होता है हाउस होल्ड गुड्स मतलब घरेलू सामान आपको बेचना है, उसके लिए आपको क्या है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन प्रचार बनाना। ओके, किसके लिए, आपको अपना घरेलू सामान बेचने के लिए। चलिए देख लेते किस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, तो देख लेते किस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट का बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तरीका देख लीजिए। आपको जब भी पूरा एडवर्टाइजमेंट बनेगा पूरा आपको बॉक्स में रहेगा, ये पूरा कंप्लीट इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है आपका, तो कंप्लीट आपको बॉक्स में बना देना है। ओके, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, तो ब्लैक पेन से आप क्या है डार्क ब्लैक पेन का यूज करके आप क्या है इस प्रकार से आपको बॉर्डर बना देनी है। ओके, और फिर आपको क्या है, ये मैंने स्केच का प्रयोग किया है लेकिन आपको स्पेच पेन नहीं लगाना है, केवल यूज करना है किसका आपको ब्लैक पेन का। ओके, फिर आपको हेडिंग डालनी इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट ब्लैक पेन से। ओके, जिस प्रकार से देख सकते हैं। ओके, फिर आप अपने फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा अच्छा देखना चाहिए। ओके, फिर लिखना आपको फॉर सेल मतलब बिका हुए क्या बिका हुआ है हाउस होल्ड थिंग्स या हाउस होल्ड गुड्स लिख सकते हैं, मतलब घरेलू सामान या बिका हुआ है घरेलू सामान। ओके, इस पर आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो जिसके टॉपिक पर एडवर्टाइजमेंट बनाए वो आपको यहाँ लिखना पड़ता होगा सबसे पहले। ओके, अब कि घरेलू सामान बेचना है, घरेलू सामान के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो आपका फ्रिज हो जाता है, कूलर हो जाता है, पंखा हो जाता है, एसी हो जाता है, टीवी, ये सब आपके क्या है घरेलू सामान कहलाते होंगे। तो ये समय बेचना है। ओके, तो जो जो आपको बेचना है वो आपको उसे बता देना है, तो भैया हमें फ्रिज बेचना है, वॉशिंग मशीन बेचनी है, टीवी कूलर एसी ये बनाना है, स्टार लगाकर आपको क्या बता देना है। ओके, थोड़ा उसकी विशेषताएं बतानी है, जो जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फ्रिज है तो एलजी कंपनी का है 280 लीटर, जो भी आपको मतलब लिखना चाहोगे, वॉशिंग मशीन है बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक वाली है, टीवी हमारी सैमसंग की, कूलर एकदम तूफान का, एसी आपका एलजी, मतलब इस प्रकार से आपको बता देना है किस कंपनी का। ओके, तो ये आपका हो जाता है घरेलू सामान, आपको बता दी क्या क्या बेचना है। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, मतलब जितनी भी मैं सामान बेच रहा हूँ, ओके, घरेलू सामान ये सब अच्छी कंडीशन में, ओके, ठीक ठाक चल रहे हैं। ओके, फिर आपको, और अब जब कोई, अब इतना अच्छा कंडीशन में जब भी कोई व्यक्ति पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट, तो क्या सोचेगा कि अब इतनी अच्छी कंडीशन में, तो भाई ये सबके बेचना क्यों जाता अपना सामान, तो आपको लिख देना एक लाइन ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। ओके, यहाँ आपको लिख देना अनदर सिटी लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे क्या है अनदर सिटी कहा गया, तो आपको लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, मतलब जो क्या मालिक क्या है दूसरे सिटी गया है, जा रहा है, इसलिए क्या है वो सब सामान को बेचने चाहता है। अगर अब्रोड की बात हो, विदेश जाना चाहता मालिक, तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड लिख दीजिएगा। ओके, फिर आपको क्या है कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये बस आपको कंप्लीट हो जाता है 4 नंबर, केवल इतना आपको लिखना है और आपके यहाँ 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पोस्टर वाले नोटिस का फोकट के 4 नंबर कहता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको क्या तरीका फॉर्मेट सीखना है, और बस आपके यहाँ से 4 नंबर बन जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए किस प्रकार से आपको बनाना है, आप समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। ओके, सेकंड एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर आर लोकल न्यूज़पेपर। आप कुणाल तिवारी हैं और आप क्या चाहते हैं, आप वांट मतलब चाहें, ओके, तो आप क्या चाहते हैं अपना घर बेचना चाहते हैं, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने क्या बेचा, अपने घर के जो सामान थे उन सबको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया था। ओके, अब दोस्तों हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें पूरा का पूरा घर बेच देना है, पूरा का पूरा घर बेचना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा। तो देख लेते किस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाना है, फॉर्मेट आपको वही रहेगा, किस प्रकार से आपको पहले बॉक्स बनाना है देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना ही है। ओके, बॉक्स जब भी बनाए सबसे पहले बॉक्स बनाए, तो आप इस प्रकार से बॉक्स बनाइए, यहाँ क्या पूरे इस प्रकार से खींच लीजिए लाइन, लास्ट की जो लाइन है उसको ना खींचिएगा, क्योंकि क्या है हो सकता है आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट आप कम शब्दों में लिखे तो कम आपका हो जाता है, ये बड़ा हो सकता है। ओके, लास्ट की लाइन आपको क्या है सबसे एंड में खींच लीजिए, आपको कंप्लीट बन जाओगे। फिर आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डाली इस प्रकार से, ओके, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से आपकी हेडिंग डालनी है। ओके, फिर आपको जिस भी टॉपिक पर एडवर्टाइजमेंट है, तो हमारा क्या फॉर
सेल मतलब होता है बिकाऊ, हमें बिकाऊ है। अब क्या बेचना है, पूरा हाउस बेचना, घर बेचना। ओके, अब इससे पहले हमने क्या है हाउस होल्ड गुड्स या हाउस होल्ड थिंग्स लिखा, क्योंकि हमें क्योंकि घरेलू सामान बेचना था। लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घरेलू सामान बेचना है, तो आपको क्या हाउस लिख दिया। ओके, फॉर्मेट वही है। अब देखिए, अब आपको कॉमन सेंस बात है कि जब हम क्या पूरा घर बेचेंगे, जब पूरा घर बेचेंगे तो कोई भी अपना घर बेच रहे हैं तो कोई आपसे क्या पूछेगा कि भैया कितने रूम है, वहाँ हॉल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, डाइनिंग रूम है कि नहीं है। ओके, वहाँ स्विमिंग पूल है या कोई इस प्रकार से गार्डन है कि नहीं, तो ये पूछा जाता अक्सर जब भी क्या है घर बेचा जाता। ओके, कितने बाई कितने का है, कितने फिट का है, इस प्रकार से पूछा जाता है। बस वही आपको बता देना है कि स्टार बना के जो भी आपको पॉइंट है वो आपको बता दें। रूम है, अब रूम या क्वेश्चन में चार हैं रूम है, कितने बाई कितने हैं वो बता दी, फिट में या एफटी मतलब फिट के बता दीजिए। फिर हॉल है 25x30 का है, फिट का है। ओके, फिर किचन भी है, डाइनिंग रूम भी है, वर्शिप रूम भी है। ओके, कोर्टयार्ड है, लॉन है, स्विमिंग पूल है, ये सब है हमारे घर में। ओके, ये आपने बता दी कितने बाई कितने हैं, ये भी बता दी। ओके, साइज भी बता दी, जिस मतलब किसी को लेना है तो वो समझ जाए। ओके, ये देखिए बस, फिर आपका हो जाता कंप्लीट। अब आपको जब भी कोई घर लेगा तो ये भी होना चाहिए प्लेस कहाँ है, कहाँ घर बना हुआ। ओके, प्लेस क्या है, आपको कोई भी अपना कोई भी आप प्लेस डाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया तो फिर वो प्लेस लिख दिया, बाकी अक्सर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो आप अपने से वो अपना एड्रेस कहीं का भी एड्रेस आप डाल देना है अपने पास। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको लिख देना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, अगर अनदर सिटी का है तो अनदर सिटी आपको लिख देना है। ओके, अब्रोड की बात करें तो अब्रोड मतलब विदेश से लिख दीजिए। ओके, तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, अभी घर क्यों बेचना चाहता भैया, मालिक विदेश जा रहा है, मालिक दूसरे शहर जा रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देना है। ओके, सिंपल है आपका, बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं आप। एडवर्टाइजमेंट क्या बेचना है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर घर का बेचना है तो घर के बारे में बता दी कि भैया कितने रूम है, हॉल कितने बाई कितना है, किचन कितना बाई कितना है, भाई घर कहाँ है। ओके, मालिक विदेश जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मतलब ये तो आप लगभग ऊपर नीचे सब में एक ही से रहता है, बीच है थोड़ा कंटेंट बदल जाता। ओके, तो आई होप आप ये भी सीख गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपके हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री और आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर को बुक है, इसने आपसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपको कंप्लीट ग्रामर के आपके टॉपिक मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039354479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपये, 50% ऑफ चला है, तो केवल 125 रुपये में कंप्लीट आपको है इंग्लिश का कोर्स दिया जाए। कॉपी की कीमत के बारे में आपको इंग्लिश का कोर्स दे रहा हूँ कंप्लीट पूरा, जिससे आपके यहाँ आसानी से तैयारी कर सके। ओके, तीसरा देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ लॉस्ट सूट केस कंटेस्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वॉज लॉस्ट। ओके, क्या पूछ रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, एडवर्टाइज किस में बनाना है, लॉस्ट सूट आपका क्या सूट केस खो गया है, सूट केस है आपका वो खो गया है। ओके, और जो सूट केस था उसमें क्या क्या था, उसमें हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो कहलाते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये आपके सूट केस में ये सब था और क्या है वो सूट केस पूरा खो गया। ओके, तो अब जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाए तो आपको उसमें लोकेशन भी बतानी है, डेट भी बतानी है, कहाँ खो गया ये सब भी बताना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, देख लेते हैं, ओके देख लेते किस प्रकार से आपको बनने वाला है। ओके, और ये अभी मैंने इसमें आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सूट केस पे बता रहा हूँ कि मेरा क्या है सूट केस आ गया, उस पर एडवर्टाइजमेंट बनाने आ रहा है। अक्सर क्या है पेपर में पर्स हरा जाता है तो पर्स के गुम हो जाता है, तो उसके आपको बता दीजिएगा। ओके, और उसके अलावा आपसे क्या पूछा था कि आपका क्या है जो स्कूल बैग है वो गुम हो गया है, कहाँ प्लेग्राउंड में गुम हो गया है, लॉस हो गया है। ओके, तो उस पर आपको बनाना पड़ता है, तो फॉर्मेट आपका यही रहेगा, यही तरीका रहेगा, बाकी मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको चेंज करनी है। तो किस प्रकार से रहना है आपको, इस बॉक्स से बनना ही बनना है। ओके, एडवर्टाइजमेंट लिख देना है, अब आपको क्या हेडिंग डालनी है लॉस्ट, लॉस्ट के ऊपर बना रहे हैं। ओके, अब फिर आपको क्या लिखना है, आ ब्लैक VIP सूटकेस, मॉडल नंबर दिया हुआ कितने भाई कितने दिया हुआ। ओके, मतलब जो VIP मेरा क्या है सूटकेस था जो ब्लैक कलर का था, मॉडल नंबर उसका ये था, कोई भी सामान खरीदे उसका एक मॉडल नंबर होता है। ओके, तो वो बता दिया, कोई भी आप लिख सकते हैं रैंडम। ओके, और फिर आपको क्या है उस कितने भाई कितने का था, मतलब साइज छोटा था बड़ा था वो इसमें दी हुई। ओके, फिर आपको कॉन्ट्रेस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब उसमें क्या है मेरे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो भी क्या है थे। ओके, ऑन 10 फरवरी आपको जो भी आपको डेट लिखनी है वो आपको लिख देना, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वही आप देख लीजिएगा डेट। ओके, जैसे मैं ये 10 फरवरी को बनाया तो 10 फरवरी को लिख दिया, तो जो भी आपको लिखना है। ओके, आप यहाँ लिख दिए 23 मार्च 2024। ओके, फिर आपको इन बस नंबर आपको डालना है MG Road to Kanchan Bagh। ओके, MG Road Kanchan Bagh में ये क्या है जो बस है उसमें मेरा खो गया। ओके, फिर आपको लिखना है अट्रैक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू। ओके, एक आकर्षक उपहार आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आपका है अगर आपको ये सूट केस मिलता है आप मुझे मेरे सूट को इसे जो गुम हो गया उसे ला कर देते हैं तो आपको एक अवार्ड दिया जाएगा। ओके, काइंडली कॉन्टैक्ट, फिर आपको नाम दे देना है, फिर मोबाइल नंबर बता देना। ओके, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट करें, मोबाइल नंबर आपको देना, नाम लिख दीजिए। तो आई होप आप समझोगे कितने आपको किस प्रकार से बताना है। और ये आपका सूट केस था, अब मान लीजिए आपका मैं आपको बता दूँ पर्स खो गया है, तो बस आपको सिंपल VIP सूट केस यहाँ लिखा है, केवल और केवल आपको क्या पर्स लिख देना है, पर्स लिख दीजिएगा, और पर्स का मॉडल नंबर होता तो ठीक है, बाकी साइज भी आप लिख दीजिए, बाकी यही आपको पूरा सेम आपको यही लिख देना। ओके, इस प्रकार से आपका रहने वाला है।
ओके, अगर आपकी आपके स्कूल आता है एडवर्टाइजमेंट कि आपका क्या है बैग खो गया, ओके बैग गुम हो गया है, तो आपको क्या लिख देना है, आप ब्लैक आपको लिख देना है, फिर इसमें क्या है बैग लिख दीजिएगा। ओके, अब कहाँ खो गया, तो यहाँ आपको जो बस की जगह आपको लिख दीजिएगा, बस के स्थान पर आप स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल प्ले ग्राउंड आप लिख दीजिएगा, बस आपको स्कूल प्ले ग्राउंड यहाँ आपको चेंज कर देना, बाकी यही आपका रहने वाला। ओके ओके, ये अब इस प्रकार से लेना। अब बैग में हमारे क्या थे, बैग में हमारे क्या है सभी सब्जेक्ट की बुक थी, ओके ऑल सब्जेक्ट बुक्स, ये आपको लिख दीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बगैर। ओके, तो ये आपको थोड़ा एडिट करके आप समझ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, अगर लॉस वाला आता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों लास्ट आपको तैयार करना है, यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट राइट राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन क्लासीफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ओके, मतलब आपको क्या है, आपका जो एक घर है उसको, आपका फ्लैट है उसको आपको क्या है किराए पर देना है, किराए पर देने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा। तो ये मैं आपको चार बता रहा हूँ, कभी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो ये मैंने आपको चार बताने, चारों तैयार कर लीजिए, अक्सर इन्हीं में से आता है। ओके, देख लेते किस प्रकार से ये बनने वाला है। तो बस आपको बॉक्स बनाना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, टू लेट, टू लेट मतलब किराए से देना है। ओके, अब क्या इसके बारे में आपको बता देना है, तो आपको क्या लिखा हुआ है, टू लेट 5 BHK हाउस विथ ऑल मॉडल फैसिलिटीज इन भोपाल। ओके, मतलब मुझे किराए से देना है 5 BHK का एक क्या है घर है जो क्या है बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज से क्या है मॉडल फैसिलिटीज से उसमें सब मतलब सुख सुविधाएं हैं इसके भोपाल में। ओके, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 24 घंटे क्या है रहता है वाटर की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, नियरेस्ट मार्केट प्लेस। ओके, और जो भी ये मेरा ये फ्लैट है ये कहाँ है मार्केट के पास। ओके, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई रेंट। ओके, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब क्या है, जो ये मेरा किराया है मुझे किससे देना है, केवल केवल जो सरकारी कर्मचारी उनको बस देना है। ओके, आप ये लाइन हटा भी सकते हैं या सभी के लिए भी लिख सकते हो। रेंट रेंट नेगोशिएटेबल रेंट। ओके, और ये आपको मतलब जो रेंट है जो क्या है इसमें मोल भाव किया जा सकता है, रेंट अराउंड 20,000 रुपये। ओके, लगभग है। ओके, ये आपको बता दें कॉन्टैक्ट आपको दिया गया इस प्रकार से, तो आपने बता दिया कि मुझे घर देना है वो। ओके, आपका घर क्या है, घर के कहाँ है आपका, ये आपने प्लेस बता दिया है। ओके, इसका किराया कितने रहने वाला है ये आपने बता दिया, 24 घंटे क्या रहेगी, आपके पानी की सुविधा रहेगी, बिजली की सुविधा रहेगी, और आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, इस प्रकार से आपको बनाना। ओके, तो मैंने आपको चार बता दिया, आपका प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, इन चार के बाहर नहीं जाता है, इसलिए आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको क्या समझा दिया, ज़्यादा आपको तैयार करनी है, दो दो तीन लाइन आपको याद ही करना है, बाकी वक्त बन ही जाएगा, बस आपको यह फॉर्मेट सीख लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितने मैंने आपको चार आपको बताए हैं ये चारों तैयार कर लीजिएगा और समझ के तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से आप जुड़ गया, दोस्तों कोई डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या है आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, और क्रम से आप क्या है सभी वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।